हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में एसपीएससी में जो एसएसटी का पेपर हुआ है 15 फरवरी 2024 को, उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो मोस्टली क्वेश्चंस अराउंड 70% प्लस एमसीक्यू जो है वो टेस्ट पॉइंट ओपी की वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, और ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद का पेपर है, और ये जो पोस्ट है वो है सेकेंडरी स्कूल टीचर यानी कि एसएसटी का, और ये जो है 15 फरवरी 2024 को हुआ है। 1 घंटे का इसमें टाइमिंग था, और जो मार्क्स थे मैक्सिमम मार्क्स थे वो 100 थे, और 50 इसमें एमसीक्यूज़ थे। एमसीक्यूज़ में जनरल नॉलेज, इंग्लिश और उर्दू और इस्लामियात के क्वेश्चंस जो थे वो शामिल थे। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज़ दी अदर नेम ऑफ गजवाए खंदक। गजवाए खंदक यानी कि बैटल ऑफ ट्रेंच का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गजवाए एजाब है। गजवाए खंदक को गजवाए एजाब भी कहा जाता है। गजवाए खंदक या फिर बैटल ऑफ ट्रेंच जो है ये 5 हिजरी को लड़ी गई थी, और इसमें मुसलमानों की तादाद 3,000 थी, कुफार की तादाद जो थी वो 1,000 थी। ये भी पूछा जाता है कि गजवाए खंदक में खंदक खोदने का यानी कि ट्रेंच खोदने का मशवरा किसने दिया था, वो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी टाइम्स द वर्ड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ नेम हैज़ बीन मैंशनड इन द होली कुरान। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 4 टाइम्स है। लफ्ज़ मोहम्मद जो है कुरान मजीद में 4 मरतबा आया है, जबकि लफ्ज़ अहमद जो है वो 1 मरतबा आया है। लफ्ज़ मोहम्मद जो है वो सूरह आल इमरान, सूरह अल अहज़ाब, सूरह मोहम्मद और सूरह अल फतह में आया है। 4 मरतबा लफ्ज़ मोहम्मद कुरान मजीद में मेंशन है, और अहमद जो है 1 मरतबा सूरह सफ़ में आया है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डाइड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ग्रीफ, यानी कि आमुल हुजन के दौरान किसका इंतकाल हुआ। सो इसे ईयर ऑफ ग्रीफ भी कहा जाता है, और ईयर ऑफ सारो यानी कि गम का साल भी इसे कहा जाता है। और ये इसमें जो है हज़रत बीबी खदीजा और हज़रत अबू तालिब ये दोनों इंतकाल कर गए थे एक ही साल में। सो ऑप्शन डी इसमें बी एंड सी दोनों ठीक है, बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात करें तो ये फ़र्स्ट वाइफ थी, पहली जोजा थी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हज़रत अबू तालिब जो थे ये अंकल थे, चचा थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सो ये दोनों जो हैं पर्सनालिटीज़, दोनों शख्सियात का एक ही साल में इंतकाल हुआ। सो इस साल को ईयर ऑफ ग्रीफ, ईयर ऑफ सारो भी कहा जाता है, और उर्दू में इसे गम का साल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ओनली सहाबा विदाउट सीइंग द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो इसका करेक्ट आंसर हज़रत अवेस करनी है। हज़रत अवेस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाहिद शख्सियत थे, वाहिद सहाबी थे जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा लेकिन फिर भी सहाबी का लकब पाए। सो हज़रत अवेस करनी इसका करेक्ट आंसर है। वैन वाज द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम बिल्ट, इस्लाम की पहली मस्जिद कब तामिर हुई। इस्लाम की पहली मस्जिद 1 हिजरी को तामिर हुई, और इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है, और ये 1 हिजरी को इसे इस्टेब्लिश किया गया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। अगर हम मस्जिदुल हराम की बात करें तो ये अर्थ पर ज़मीन पर पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम है, लेकिन इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। ये भी क्वेश्चन था कि बैटल ऑफ ट्रेंच जो है गजवाए खंदक कब लड़ी गई थी, ये 5 हिजरी को लड़ी गई थी। गजवाए बदर 2 हिजरी को, गजवाए उहद 3 हिजरी को, गजवाए खैबर जो है वो 7 हिजरी को लड़ी गई थी, और मक्का जो है वो 8 हिजरी को फतेह हुआ था। सो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके बारे में ज़रूर याद रखें क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। एक ये भी क्वेश्चन था कि वैन वाज द नेम ऑफ लायलपुर चेंज टू फैसलाबाद। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1970 जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फैसलाबाद जो है पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, सिटी है पंजाब में, लेकिन इसका पहला नाम लायलपुर हुआ करता था, और अब जो है इसका नया नया नाम जो है वो फैसलाबाद पड़ा है। और ये नया नाम कब इसका रखा गया है, कब ये चेंज किया गया, ये आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान का पहला जो है एयर कंपनी जो था उसका नाम ओरिएंट एयरवेज़ था, ओरिएंट एयरवेज़ इसका करेक्ट आंसर है। डियर व्यूवर्स, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप टेस्ट पॉइंट डॉट पी के वेबसाइट से देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आप एसपीएससी के पास पेपर्स देख सकते हैं, और ये 15 फरवरी का पेपर है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पेपर्स हो रहे हैं
वो भी हम दिन रात मेहनत करके इस वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।